कि हो सकता है सालों साल से नमाज पढ़ रहे हैं, हो सकता है जिंदगियां निकल गई नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज में क्या कहते हैं अल्लाह ताला से उन्हें पता ही नहीं होता है। जिंदगी निकल गई लेकिन आज तक यही नहीं मालूम पड़ा कि मैं बोल रहा हूं तो अल्लाह ताला से मैंने क्या कहा। नमाज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या कहा, मीनिंग मालूम है, नहीं मालूम है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जब उनसे कहा जाता है सूरह फातिहा की मीनिंग बताओ, वो बोलते हैं हाँ इसमें अल्लाह की तारीफ है। तो तारीफ तो हर जगह पर है, मीनिंग क्या है, मीनिंग नहीं मालूम है उन्हें। उसी तरह से सुभान रब्बी अल अजीम, सुभान रब्बी अल आला, अब ये नहीं पता है उनको कि क्या मीनिंग है। और अगर मीनिंग पता हो जाए तो ध्यान लगने में भी मदद मिलेगी, ध्यान लगने में भी उन्हें इसके ज़रिए एक अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलेगी। और क्या आपको ये पता है कि नमाज एक जैसे कलाम है, हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला से समझ में ही नहीं आया, ऐसे क्या ये सही है? हम देखते हैं क्या ये करना सही है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के अल्फाज है, उन्होंने कहा लैसा लका फी सलातिक इल्ला मा अकलता अलैह, तुम्हारे लिए तुम्हारी नमाज में से वही हिस्सा है जो तुम समझते हो, उन्होंने ये कहा। और सुनन तिर्मिज़ी में एक हदीस मिलती है जो सही अल जामे में जिसकी तहकीक है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाहा ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, अल्लाह ताला नहीं सुनता दुआ उस शख्स की जिसका दिल गाफिल हो, ध्यान से नहीं लगा हुआ हो। मतलब ये एक बात है जो हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की दुआ नहीं सुनता जिसका दिल उसमें नहीं है, सिर्फ जुबान कह रही है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे सीधे रास्ते की। जुबान ने हिदायत मांगी, दिल ने मांगा, दिल ने हिदायत मांगी, दिल को मालूम है कि वो हिदायत मांग रहा है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें आप सबको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क ये है कि नमाज में पूरी नमाज अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक क्या कहते हैं उसकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए, उसकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए, उसे समझना चाहिए। एक बार थोड़ा याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमें नमाज में ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। मेरे ब्रदर्स और मेरे सिस्टर्स क्या करना है, एक बार हमें स्टडी करना है, एक बार हमें इस ताल्लुक से इल्म हासिल करना है कि नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कहते क्या हैं। और उस बात को जब जान लिए, अब जब हम कह रहे हैं तो दिल से कहना है, और जब दिल से कहेंगे ना तो हमें बात समझ में आएगी कि कितनी बड़ी चीज़ें कही जा रही है। हम जब कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह उसकी सुनता है जो अल्लाह की तारीफ़ करता है। और उसके बाद जब हम कहते हैं रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह तेरी ही है तारीफ़, अब ये क्या हो गया, हमने कहा अल्लाह उसकी सुनता है जो अल्लाह की तारीफ़ करता है, फिर हम कह रहे हैं अल्लाह तेरी ही है तारीफ़। हम अपने सर को ज़मीन पर रख रहे हैं जो सबसे नीची जगह है और कह रहे हैं सुभान रब्बी आला, कि पाक है मेरा रब जो सबसे आला है। तो ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, एक एक्शन के साथ जो लैंग्वेज है अत्तहियातुलिल्लाही, तहियात जो होते हैं, तहियात यानी कि सलाम जो होते हैं, ग्रीटिंग्स होती है, वो अल्लाह के लिए है, लेकिन इससे मुराद सारी लफ्जी इबादतें हैं। वस्सलावातु, सलावात नमाज का प्लूरल है, यानी नमाजें हमारी अल्लाह के लिए, नमाज से मुराद जिस्मी इबादत है। वत्तय्यिबातु, पाक चीज़ें, पाक चीज़ों से मुराद ख़ास तौर से इसमें जो रिज्क हमारा पाक होता है वो पाक अल्लाह ताला के लिए है। तो यानी जिस्मी इबादत, ज़ुबान की इबादत, माली इबादत, अत्तहियातुलिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये क्या है। जब हम मीनिंग पर गौर करें तो हमें बात समझ में आएगी कि कितनी प्यारी मीनिंग है और कितनी अच्छी अच्छी बातें हम अल्लाह ताला के सामने कहते हैं, लेकिन काश कि हमें मीनिंग समझ में आए। तो क्यों ना हम ऐसा करें, ये वो अमल है जो अमल अगर सही हो गया हमारी पूरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, तो क्यों ना इसको सुधारने में थोड़ी सी मेहनत कर लें।